हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि विंटर आ चुका है एंड उसके साथ साथ लाया है बालों में ड्राइनेस, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स एंड बालों का जड़ों से टूटना, उसके साथ साथ बालों में शाइन तो फिर रह ही नहीं सकती, इतना सा हो गया अगर हमारे बालों में। तो कोई बात नहीं, वाई फेयर वेन नेचुरल केयर इज हेयर। तो सबसे पहले समझते हैं कि बालों में ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी वेदर चेंज होता है ना, तो आपके बाल हो या आपकी स्किन हो, इसको थोड़ा अडेप्ट करने में ना उस वेदर को टाइम लग जाता है। उस टाइम पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लग जाती है। तो सेम बालों के साथ होता है, जो कि बाल ड्राई हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ आ जाता है, बालों में स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाते हैं, बालों से शाइन कहीं चली जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और उस वेदर में आपके बाल खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको अपने बालों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। जब वो अडेप्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद में आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हो। बट तब तक के लिए आप क्या करेंगे, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव डीआईवाई बताने वाली हूँ जो ना कि सिर्फ समर्स के लिए ना विंटर्स के लिए, मतलब ऑल सीजन आप इसको कभी भी यूज करोगे ना, ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देने वाला है। लाइक अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लोगे ना, डेफिनेटली मुझे थैंक यू तो बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि ये है ही इतना इफेक्टिव और इतना ज्यादा अच्छा डीआईवाई। तो बिना किसी बात की देरी की हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। DIY हेयर मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक लोहे का बर्तन। यहाँ मैंने एक लोहे का पुराना तवा ले लिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आंवला। आंवला यहाँ मैंने कच्चा लिया है, हरा आंवला। आप इसकी जगह पर आंवले का पाउडर भी ले सकते हो। अगर मैं आंवले की बात करूँ तो आंवला रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये जो इसकी बेस्ट क्वालिटी है वो है आपकी ग्रेइंग प्रॉब्लम्स जो होती है ना हेयर की, उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा शिकाकाई। अगर अब मैं शिकाकाई की बात करूँ तो शिकाकाई आपके बालों में शाइन देता है, सॉफ्टनेस देता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है एंड द बेस्ट 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 क्वालिटी इज़ ये आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, आपके इन्फेक्शन को भी हील करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फेनोग्रीक। फेनोग्रीक यानी कि मेथी। अगर अब मैं मेथी की बात करूँ तो मेथी हमारा रिच सोर्स होता है आयरन और प्रोटीन का, एंड ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे बालों के लिए। नेक्स्ट है कलौंजी यानी अनियन सीड्स। अनियन सीड्स की बात करूँ तो इसमें एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। ये रिच इन इसेंशियल्स ऑयल होता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी के साथ में एंड पूरी रात इसको रख दूँगी ढककर। नेक्स्ट डे जब हम इसको देखेंगे तो आप देखोगे इसका कलर भी ना थोड़ा काला सा हो गया है, वो लोहे के बर्तन में रखने की जगह। अगर आपने आंवले का पाउडर लिया होता ना रॉ की जगह, तो ये और ज़्यादा काला हो गया होता। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली मैंने ना ये थोड़ा ज़्यादा बना लिया है क्योंकि मैं इसको बाद में भी यूज़ करने वाली हूँ, तो जितना भी एक्स्ट्रा है ना मैं उसको एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी एंड जितना मुझे चाहिए। अभी हमारा एक और चीज़ रह गया है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो जितना मुझे चाहिए उतने में ऐड करना है, वो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। 4 से 5 चम्मच मैं सरसों के तेल की इसमें डालूंगी। उसके बाद में मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी एंड मिक्स करने के बाद में अब मेरा हेयर मास्क रेडी हो चुका है। अब इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले हमें अपने बालों को डिटैंगल करना है यानी कि अपने बालों को अच्छे से कोम करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी हेयर मास्क लगाओ या हेयर ऑयलिंग करो उससे पहले कोम योर हेयर प्रॉपरली। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बालों को ना उलझना नहीं है। आप जब भी ऑयलिंग करते हो या कभी हेयर मास्क लगाते हो, अगर आप उलझे हुए बालों में लगाओगे, एक तो आपके प्रॉपरली रूट्स में नहीं लग पाएगा एंड लगाते टाइम ना आपके बाल टूटना स्टार्ट कर देंगे। जब आप उसके बाद में धोगे तो और टूटेंगे। तो आप मतलब देखो, आपने मास्क लगाए तब टूटे, धोते टाइम तब टूटे, तो ये तो हेयर आपके बालों को ख़राब ही कर रहा है ना और तोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं करना हमें, इसीलिए हमें कोम करना बहुत ज़रूरी है। कोम करने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, लगाना कैसे है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए स्कैल्प, देन रूट्स। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने स्कैल्प पर लगा रही हूँ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैं टिप से ना अपनी फिंगर टिप से मालिश भी कर रही हूँ उस एरिया में। बालों को बालों से मैं बिल्कुल भी नहीं रब कर रही हूँ, मैं बस अच्छे से अपने बालों में पहले स्कैल्प पर लगा रही हूँ एंड देन उसके बाद में मैं अपने रूट्स पर भी लगा रही हूँ।
एक साइड का सेक्शन मैंने कंप्लीट करने के बाद में दूसरी साइड के सेक्शन पे भी मैंने ऐसे ही किया है, पूरे बालों में अच्छे से आगे पीछे अच्छे से मालिश करके मैंने, मतलब ये श्योर कर लो कि आपके स्कैल्प पर अच्छे से लग गया है ना, देन उसके बाद में आप जंप करो अपने रूट्स पर। रूट्स पर भी लगाना ज़रूरी है, बट स्कैल्प पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है ना वो आपके स्कैल्प से होती है, तो आपको उसको नरिश करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें हमने जितनी भी चीज़ें मिलाई हैं ना वो आपके स्कैल्प को नरिशमेंट के लिए भी चाहिए, तो अपने स्कैल्प को बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको स्कैल्प को भी लगाना है ये, एंड रूट्स पर भी लगाना है। जब अच्छे से लग जाएगा आपके स्कैल्प पर रूट्स पर, तो उसके बाद में आप एक अच्छा सा बन बना लो। एंड बन बनाने के बाद में अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। वो थोड़ी देर कितना है आपको, अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है, पूरा नहीं सुखाना। यहाँ 45 मिनट्स ही रखा है मैंने, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपको 2 से 3 घंटे रखना है। जो भी हेयर मास्क होता है ना उसको जो भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट देना होता है ना वो 1 आवर के ड्यूरेशन में दे देता है। यहाँ हेयर मास्क को मैं अच्छे से धो रही हूँ पानी से। सबसे पहले जब भी हेयर मास्क वगैरह लगाते हो ना तो पानी से पहले मेक श्योर करो आपकी सारा ना वो निकल जाए, तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले अच्छे से अपने बालों में से वो मास्क को निकाल रही हूँ। एंड जब अच्छे से निकल जाएगा ना मेरे हेयर से, तो उसके बाद मैंने शैम्पू अप्लाई किया। यहाँ मैंने अपना बहुत ही बेसिक शैम्पू, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो यहाँ ना मैंने क्लिनिक प्लस यूज़ किया है। अराउंड मुझे 6 to 7 months हो चुके हैं मैं क्लिनिक प्लस ही यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पर। तो शैम्पू अगर अच्छे से लगाने के बाद में मैंने अपने बालों को धो लिया। एंड आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने धोते टाइम भी ना अपने बालों को रब नहीं किया, शैम्पू लगाते टाइम भी नहीं किया, मास्क को जब मैं नॉर्मल पानी से धो रही थी तब भी मैंने नहीं किया, क्योंकि रब नहीं करना होता। हमें बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं लाने हैं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं। तो जब बाल अच्छे से मेरे धुल गए मैं निचोड़ लूँगी एंड नेचुरली सूखने दूंगी। बालों में ना अभी हल्के हल्के आंवले के रेशे लगे हुए हैं, बट कोई नहीं, एक बार ये जब सूख जाएंगे ना मैं कोम करूँगी, कोम करने के बाद में ये सारे निकल जाएंगे आराम से। एंड सूखने के बाद का दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। यहाँ मैंने कोई भी कंडीशनर कोई भी सीरम नहीं लगाया अपने बालों में, ये जस्ट आफ्टर मेरे बालों से जो मास्क है वो सूखने के बाद कोम करने के बाद का रिजल्ट है। गाइज आई होप यू लाइक माई DIY रेमेडी। आप इसको अपने घर पे ट्राई करो प्लीज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।